हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक साल के बच्चे का गरारा किस तरह सिला जाता है। देखिए, ये कपड़ा तो छोटा है, बट मैं आपको एक साल के बच्चे का मेज़रमेंट ही बताऊंगी। आपके पास जो कपड़ा हो वो कपड़ा आप ले लें। ये कपड़ा को मैं अच्छे से सीधा कर लूँगी। देखिए, ये मैंने ले लिया है, इसको कट करके अच्छे से बराबर कर दूँगी। देखिए, मैं आपको एक साल के बच्चे के गरारा का मेज़रमेंट बताती हूँ। फुल लेंथ नीचे का घेर के लिए, नीचे जिससे चुनन बनता है उसकी फुल लेंथ हो जाएगी 11 इंच, चौड़ाई हो जाएगी 21 या 25 इंच, पैंटी के लिए लंबाई हो जाएगी 15 इंच और विड्थ हो जाएगी 9 इंच। अब इसको कट करके अलग कर देंगे उसी कपड़े में से। अब क्या करेंगे, अब नीचे का चुनन बनाना है। तो देखिए, ये कपड़ा है, इसको क्या करेंगे, सिलाई को देखिए चौड़ी सिलाई करके इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई लगा लिया, अब इसको क्या करेंगे, धागा खींच कर चुनन बनाएंगे। ये बहुत ही इजी वे में चुनन बन जाता है और इससे कपड़ा छोटा बड़ा होने का कोई डर नहीं रहता। हम लोग चुनन बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। देखिए, एक पल्ला का मैंने बना लिया, अब सेम दूसरे पल्ले में भी यही करेंगे। बड़ी सिलाई लगा के एक सिलाई लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, धागा खींच कर चुनन बनाएंगे। सेम उसी तरह करेंगे, रिपीट करेंगे सेम। देखिए, सेम दोनों पल्ला बन गया। अब क्या करेंगे, पेंटी बनाएंगे। देखिए, पेंटी मैंने क्या किया, पेंटी म्यानी वाली बनाई है। एक कपड़े से म्यानी बना लेंगे, छोटी सी म्यानी बना लेंगे और क्या करेंगे, नीचे से 2 इंच छोड़कर हम लोग म्यानी अटैच करेंगे। 2 इंच छोड़ देंगे नीचे से, जहाँ से हम लोग चुनन अटैच करेंगे। देखिए, अब मैंने दूसरी साइड भी लगा लिए, दूसरी साइड लगा लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी सिलाई करेंगे, नीचे से ऊपर तक सिलाई कर देंगे। मैंने सिलाई कर दी है, देखिए ये हमारा आसन और पूरा कमर तक सिलाई हो गई है। अब क्या करेंगे, अभी हम लोग चुनन इसमें कैसे अटैच करेंगे। ये पैंटी का कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और ये चुनन वाला कपड़ा उल्टा रहेगा, ऊपर की साइड उल्टा रहेगा। देखिए, ये सीधा रखेंगे और ये चुनन वाला कपड़ा ऊपर की साइड उल्टा है। अब इस पर सिलाई कर देंगे। देखिए, सिलाई कर दिया मैंने, अब इसको सीधा कर देंगे। ये सीधा है, देखिए सीधी साइड है, सेम इसी तरह करेंगे। नीचे वाला कपड़ा पैंटी का कपड़ा सीधा है और ऊपर चुनन वाला कपड़ा उल्टा है। देखिए, मैंने फिर सिलाई कर दिया इस पर। देखिए, सेम इसी तरह से हो गई सिलाई, देखिए हो गई। अब क्या करेंगे, इलास्टिक डालने के लिए इसको मोड़ लेंगे, फोल्ड करेंगे, थोड़ी सी सिलाई छोड़ देंगे इसमें इलास्टिक डालने के लिए। हो गया, इसी वे में रेडी। अब क्या करेंगे, अब नीचे का, इसमें नीचे की सिलाई नहीं हुई है तो ये नीचे फोल्ड करेंगे, नीचे को ले लेंगे कपड़ा और फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं, आपके पास अगर लेस है तो लेस भी लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा ही खूबसूरत बन जाएगा ये गरारा। देखिए, दूसरी साइड भी मैंने यही किया, सेम इसे फोल्ड कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। देखिए, सिलाई कर दी मैंने, देखिए हो गई सिलाई। देखिए, इसी वे में गरारा रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।